अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे चैनल IR टेक को। मैं आज आपको बताऊंगा कि फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं। तो हम अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हमने अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिस अकाउंट को डिलीट करना है उसको लॉगिन करना है। तो मैंने अपना फेसबुक ऐप ओपन किया और अपनी वीडियो को, अपने अकाउंट को भी ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें थ्री लाइंस या डोर्स जिसके भी हैं वो उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने स्क्रॉल करने के बाद एंड पे देखना है सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन करने के बाद हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो हम इन ऑप्शन में से देखना है सेटिंग कहाँ है। ओनली सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सर्चिंग होगी। सर्चिंग होने के बाद हमें कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। ऑप्शन इनको दिन में और इन ऑप्शन को स्क्रॉल करने के बाद एंड पे एक ऑप्शन आएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये देखिए आपके सामने है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमें कुछ मजीद ऑप्शन नज़र आएंगे। तो हमने इन तीन ऑप्शन में से ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन के ऑप्शन को। ऑप्शन को क्लिक कीजिए और नेक्स्ट हमें फिर से दो ऑप्शन आएंगे। ये देखिए हमें बता रहा है कि डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को कुछ अरसे के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कीजिएगा। अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपके यूज़ में नहीं है फेसबुक अकाउंट तो आप डिलीट कर सकते हैं, तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्योंकि मैं अपना अकाउंट ये अभी डिलीट नहीं करना चाहता, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा। तो आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के इस ऑप्शन के क्लिक कीजिए और डिलीट करिए। और अगर एक बार याद रखिएगा, आपने एक दफ़ा अकाउंट डिलीट कर दिया तो 30 दिन तक ओपन मत कीजिएगा, वरना आपका डिलीट परमानेंटली नहीं होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बावक्त और आसानी के साथ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।